लोकेशन पर अगर आप मॉनसून में आते हो तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। आ तो लागणी मजबूर करी दे आ બધા ઘાસ ને ઉઠવા માટે, બાકી તમે જ વિચારો પહાડ પર તો પાણી પણ નથી રહેતું। एक अलग सा ठंडा माहौल है और हवाएं चल रही है तो गर्मी के माहौल में भी अंदर तो ठंडक ही है। आपको मेरी इंग्लिश में थोड़ा गुजराती गुजराती स्वाद आएगा क्योंकि हम गुजराती लोग होते ही ऐसे, हिंदी बोले इंग्लिश बोले जो भी बोले लेकिन सब गुजराती में बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। तो आपको आप सबको जैसे बता है कि गुज्जू राइडर है इनका नाम और घूमना है इनका काम और आज हम झपेटे में आ गए। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद एक और वीडियो आ रहा है। वैसे मैं आया हूँ बालासिनोर में और यहाँ पर आके कोई शूट का प्लान तो था नहीं, अपने दोस्त से मिलने आया था और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूँ डीडी भाई और ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है मेरे व्यूअर्स है वो इनको जानते ही होंगे। इनको मिलने आया था, ऐसे ही बैठे थे और एक लोकेशन था उस पर डिस्कस किया, देवगिरी या देवडुंगरी या फिर देवडुंगरी। एक बढ़िया सा लोकेशन है जो बालासिनोर से करीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है और फिर उससे 4-5 किलोमीटर आगे एक लेक है। तो सोचा कि चलते हैं विजिट करते हैं, इनका भी अलग एक वीडियो बनेगा जो ये अपने इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड करते हैं। और अपना तो डायलॉग ही है, गुजरात घूमना है मेरा काम, गुज्जू राइडर है मेरा नाम। तो ऐसे ही एक और दो लोकेशन वैसे आज एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहीं से अपना सफर अपनी राइड स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते, देर नहीं करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और गुजरात घूमना है मेरा काम, गुज्जू राइडर है मेरा नाम। चलिए अपना सफर स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी इंग्लिश में थोड़ा गुजराती गुजराती स्वाद आएगा क्योंकि हम गुजराती लोग होते ही ऐसे, हिंदी बोले इंग्लिश बोले जो भी बोले लेकिन सब गुजराती में बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। तो आपको आप सबको जैसे बता है कि गुज्जू राइडर है इनका नाम और घूमना है इनका काम और आज हम झपेटे में आ गए यू ही बेनाम अनजानी जगह पर दो अनजाने शख्स। मिडिल क्लास फैमिली में सो अभी दोनों भाई एक्सप्रेस पे बैठ चुके हैं और एक बढ़िया सा लोकेशन आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं और रास्ता नहीं बताऊंगा वरना आप इनका घर ढूंढ लोगे। तो अभी बालासिनोर के बाजार से निकल चुके हैं आगे और देखेंगे क्या सीन रहता है, कितना किलोमीटर रहता है। वैसे तो 10-12 किलोमीटर ही है जो अपना पहला डेस्टिनेशन है और ये बालासिनोर से वीरपुर वाला जो रोड है उसी रोड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बालासिनोर में एक अलग सी माउंटेन रेंज है, वैसे पहाड़ नहीं बोल सकते बट आप सामने स्टोन्स वगैरह देख रहे होगे। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो ट्रैकिंग करते हो तो बढ़िया सी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप यहाँ पर ले सकते हो और ये जो रास्ता है इसी रास्ते से होके हम अपने डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं। देखते हैं क्या सीन रहता है, क्या मज़ा आता है। और दोपहर के 12:30 बजे है और 1:15 बजने को आए शायद और इतनी कड़क धूप में दोपहर को हम लोग निकल चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है बस। तो बालासिनोर की एक लौटी नर्सरी है, महाकाली नर्सरी, बढ़िया से फूल है यहाँ पर। देखो क्या कहना चाहोगे जीडी? सो फर्स्टली आई एम डूइंग दैट टाइप ऑफ वर्क फर्स्ट टाइम, आई एम ब्लॉगिंग एंड ऑल, सो फॉर दोस पीपल हु लव ग्रीनरी हु लव प्लांट्स, सो फॉर दोस पीपल गुजराती में कहीश कारण કે મોસ્ટલી અહીંયા ગુજરાતી માં પબ્લિક હોય છે, સો જલ્દીથી આવો, આ બહુ સારી નર્સરી છે, બહુ સારા પ્લાન્ટ મળે છે, બાકી યુ નો વેરી વેલ। ये अपनी एक्सपल्स और निकलते हैं डेस्टिनेशन पर। यही थोड़े दूर आगे की
ओके बस हम पहुंचने वाले हैं, ये दूसरी नर्सरी है पर ये अच्छी नहीं है। बताने का बताने का बस ये यहीं से लेफ्ट टर्न लेना है शायद आगे से बस यहीं। ओके ओके बॉस। तो अरे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होता है। तो एक छोटे से गांव से होकर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं, सरवरिया प्राथमिक शाला। देखो माउंटेन्स देखो, अरे वाह क्या बात है। बारिश में आने का मजा ही है। हाँ जाने का उधर भी बारिश में आओगे ना तो एक गजब ही लोकेशन दिखोगे आप। गांव देखो, कोई कह सकता है गांव? भाई बढ़िया घर बनाया है। बड़े लोग बड़ी बड़ी इधर रास्ता वैसे इट्स नॉट दैट मच गुड, बट जो नज़ारा है वो इतना अच्छा है कि आप रास्ते को भूल जाओगे। ये देखो पूरी माउंटेन रेंज, आपको स्टोन वगैरह दिखेंगे एमजान के ऊपर दिस वे। ओके अरे एक नंबर भाई, ये जो रास्ता है ना भाई, अगर आप मॉनसून में आते हो तो ओए होए होए होए, ये देखो पहाड़ ही पहाड़, स्टोन ही स्टोन। ऐसी जगह ढूंढते हैं अपन और राइड करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो रास्ता अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। एक नंबर, अरे भाई गजब। ये देखो यहाँ से पूरा बालासिनोर दिख रहा है भाई, पूरा बालासिनोर। व्यू तो जो गजब। सो ये अपना डेस्टिनेशन, ये एक टॉप पे है और बस यही देखने के लिए आए अपन। तो फाइनली अभी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, धूप बहुत कड़क हो रखी है और मैं और जेडी दोनों साथ में आए हैं देवगिरी महादेव। सो दिस प्लेस कॉल्ड देवगिरी महादेव और देवडुंगरी महादेव। हाँ तो ये लोग लोकल लोग देव डुंगरी महादेव कहते हैं और जो बाहर के लोग है वगैरह उसे देव नगरी। कितना होता है बालासिनोर से? होता है 7-8 अप्रोक्स, अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर। हाँ तो 10 किलोमीटर की दूरी पे इतना एक बढ़िया सा लोकेशन है। और अगर आप मॉनसून में आते हो तो हाय 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 हाय, मॉनसून में अगर आते हो तो बहुत ही गजब लोकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो और कार भी यहाँ तक आ सकती है, बाइक भी आ सकती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेंपल देखने के लिए। टेंपल विजिट करने के बाद इसका जो सराउंडिंग, यहाँ का जो नेचर है वो हम लोग ड्रोन में कैप्चर करने वाले हैं। बर्ड आई व्यू से देखेंगे कि ये लोकेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। और महिसागर में ये जो बालासिनोर लोकेशन है वो भी एक बढ़िया से माउंटेन्स के बीचों बीच आया हुआ है, तो आप ज़रूर से विजिट करना। और मैंने भीम भमेड़ा का एक लोकेशन का एक वीडियो बनाया है, पूरी बालासिनोर सिटी का वीडियो बनाया है। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं और आपको टेंपल दिखा। तो ये है टेंपल और ये है अपने जेडी भाई। हाय हाय गाइस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर और देखेंगे कि टेंपल कैसा है। तो यहाँ पर एक अलग सी ठंडक है इतनी धूप रहने के बाद भी। और यहाँ पर एक शिवलिंग है और ये एक बढ़िया सा टेंपल है। सो पीसफुल, एक अलग सा ठंडा माहौल है
और हवाएं चल रही है, तो गर्मी के माहौल में भी अंदर तो ठंडक ही है। अब यहाँ से कुछ बर्ड व्यू लेंगे और देखेंगे कि ये जगह कैसी है। 3, 2, 1 गो। चिड़िया ने बहुत अमेजिंग से ड्रोन शॉट लिए और ये डीडी भाई ड्रोन शॉट देख रहे हैं और ये बच्चा है वो भी देख के आ गया था इधर। तो इस लोकेशन पर अगर आप मॉनसून में आते हो तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है और बहुत ही अल्टीमेट स्टोन वाला एरिया है, अभी आपने ड्रोन शॉट में देखा। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर बालासिनोर से हो और 8-10 किलोमीटर की दूरी पे अगर आपको ऐसा हिल स्टेशन जैसी एक जगह मिलती है तो क्यों ना यहाँ पर आया जाए, क्यों ना यहाँ पर टाइम स्पेंड किया जाए। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा जाएंगे आगे और एक बड़ा सा लेक है और देखेंगे अगर वहाँ पर जाने को मिलता है तो वहाँ पर जाके भी एक ड्रोन शॉट लेंगे और यहाँ पर रास्ते में भी कुछ स्टोन वगैरह है तो वहाँ का भी ड्रोन शॉट लेंगे। यहाँ पर मेला कब लगता है? जन्माष्टमी में। तो जन्माष्टमी में यहाँ पर मेला भी लगता है तो वो मौका आप मत चूकना और यहाँ पर आके एंजॉय करना यहाँ का एटमॉस्फेयर। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे और रास्ते में एक ड्रोन शॉट लेंगे बाइक के साथ, वो देखते हैं और फिर चलते हैं लेक के साइड। और वो लेक कहाँ है, लोकेशन की लिंक हर वीडियो की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस लोकेशन की लिंक भी मैं छोड़ दूंगा। तो चलिए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। લાગણી મજબૂર કરી દે આ બધા ઘાસ ને ઉઠવા માટે, બાકી તમે જ વિચારો પહાડ પર તો પાણી પણ નથી રહે। जगह पर स्पेंड करने के बाद हम लोग अभी अपने नए डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं जो एक तालाब है। क्या नाम है जीडी? गुवड़िया तालाब। गुवड़िया तालाब। तो एक लेक है जो रैयोली के आसपास आया हुआ है तो हम लोग वहाँ जाने वाले अभी और इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कह रहे हैं। और आपको ये जगह पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जरूर आना। हाँ, और एक बार मानसून में ज़रूर आना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना। और एक और बार लास्ट कि सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे मस्त मस्त जगह को देखने के लिए। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। यस, अरे एक नंबर। अरे बहुत गजब। जे हुई ना बात।
तो सोचा आज के वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, इस खूबसूरत से तालाब के किनारे पर एंड करते हैं। और काफी धूप के अंदर बहुत सारा टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किया है। तो इस तालाब के लोकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। गुजरात घूमना है मेरा काम, गुज्जू राइडर है मेरा नाम। ऐसे ही हम लोग गुजरात में अलग अलग लोकेशन पर ट्रैवल करते हैं, जगह को एक्सप्लोर करते हैं, जगह को यूट्यूब पे शो करते हैं, आप सब घर बैठे बैठे ये सारे लोकेशन एंजॉय कर पाओ। तो वैसे ही आज हमने दो लोकेशन एक्सप्लोर किए। वैसे ही ये इसकी फुटेज ज़्यादा नहीं होगी ये लेक की, लेकिन वीडियो यहाँ पर एंड कर रहे हैं। और देवगिरी वाला जो लोकेशन था, जो बालासिनोर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था, वो बढ़िया सा हमने एक्सप्लोर किया। वो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय कर लीजिए।